तो आज हम जा रहे थे ऋषिकेश, तो क्या हुआ ना कि बस हमारी बंद हो गई थाने में ड्यू टू सम रीजन। थाने में बंद हो गई और भाई मतलब पता नहीं चला मतलब क्या हुआ है। खाना वाना भी खा लिया, रात का एक बज गया, तो मुआवजा वुआवजा तो नहीं मिल रहा भाई। बस आ रही है हमारी, थैंक्स टू भाई बस ड्राइवर। हो गया 1:44 बज गया भाई, तो 2 बजे हम निकलेंगे यहाँ से, तो ऑलमोस्ट हम 9 PM नहीं 8 PM सुबह के सुबह मतलब सुबह 9 हाँ मतलब हाँ मतलब 9 बजे बज गया। मैं आ रहा हूँ जी सर, लेट हो गए हम। रवा अलग ही मिला है, अभी तक बोला है कि बस 2 मिनट आने वाली थी लेकिन अभी तक आई नहीं। हाँ तो गाइस हमारी बस आ गई है, ठीक है, तो मतलब बिल्कुल नई बस आई है, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई अभी, लेकिन फिर भी 3 घंटे लेट हो गई है, ठीक है। हाँ भाई तो अभी हम मिलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारी बस रुकेगी, ठीक है, ओके थैंक यू। बस नहीं जीती लेकिन भाई इधर देख, मुझे बस वो पसंद नहीं थी, मुझे नई बस मिली, ये मेरी इच्छा थी बट पूरी हो गई, हैप्पी विद दिस बस। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह हम हैं यहाँ पे ऋषिकेश में, तो क्या हुआ कि हमारी बस ना रात को थोड़ा लेट हो गई थी, तो अभी 9 बज गए हैं, तो बस जो जोशीमठ की है वो डायरेक्टली यहाँ से निकल गई है ना, एक सेकंड। तो अब सीन ये है कि हम जा रहे हैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से फिर उसके बाद जोशीमठ, तो हमें बस मतलब ऐसे मिल गई कि पहले हमें जाना पड़ेगा कर्णप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग से जोशीमठ, ठीक है, फिर देखते हैं उसके बाद होटल वोटल वगैरह। बाकी देखो मेरे दोस्त, हाँ चलो। तो गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी ना हम रोडवेज देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो बस है ना वो थोड़ी सी मतलब बिची बिची है यार, उसमें मतलब क्या बैठेंगे हम। मेरे थोड़े दोस्त यहाँ पे देखो इंक्वायरी कर रहे वगैरह, तो इतनी ज़्यादा बिची हुई बस है। अभी हम हैं ऋषिकेश वाले बस स्टैंड पे, ठीक है, सुबह सुबह हम यहाँ पे उतरे थे करीब करीब 8:30 बजे, फिर थोड़ा फ्रेश फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लग गया है ना, और फिर अभी मतलब हम 9:15 हो रहे हैं, तो पहुँच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस हमें बस मिल गई यहाँ से कल पर्याग के लिए, देखो मेरे दोस्तों को देखो कितनी छलांग आ रही है, बाकी की जरूरत है अभी रिलीज भाई, बढ़िया है बढ़िया भाई। देखो बस मिल गई यहाँ से कर्णप्रयाग के लिए, कर्णप्रयाग जाएंगे, फिर कर्णप्रयाग से फिर जोशीमठ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि देखो हमारे पास हमने अपना बाजा वाजा रख लिया, ये ले पादी पूरा बजाना है इसको आज हम, भाई इसको पूरा बजाना है और पूरे बस में ना मजे करते चलना है, बाकी देखेंगे जो उनको, ओके आप बाकी हम दिखाते हैं आपको कहाँ से कैसे कैसे जाएंगे, ओके। अभी हम देखो कहाँ हैं, अभी तुम्हें ना एक बेहतरीन वाला मतलब नज़ारा देखने को मिल गया होगा, क्या है कि हमारी बस थोड़ी जाम में चल गई है भाई, जाम में दिखाओ
छोटे मोटे जाम यहाँ पे लगते रहते, क्योंकि भाई देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सड़क इतनी ज़्यादा है नहीं, तो थोड़ा सा देख दाख के निकलना पड़ता है। बाकी हमारा अब तक का जो जर्नी है भाई, हम वो गाते बजाते चल रहे हैं, छोटी सी बस है हमारी और भाई नज़ारे तो एक नंबर के, मज़े कर रहे हैं सारे। कैसे अंकल जी आप? बढ़िया, मज़ा आ रहा है? मौसम कैसा है अंकल? मस्त है। हाँ कि हम अभी कड़प्रयाग के लिए निकले हुए थे, आपको तो बताइए, तो अभी रास्ते में हमारी बस रुकी है खाने के लिए, तो ये ढाबे पे रुकी है, ठीक है। तो मैं बालकनी में खड़ा हूँ, यहाँ से यार नज़ारा देखो क्या नज़ारा है। और सामने हमें दिख रहे हैं माउंटेन्स, वो भी बर्फ़ वाले, मेरे ख्याल से हिमालय वो। तो भाई अब खाने पीने का टाइम हो गया, थोड़ा सा खा पी लेते हैं, क्योंकि हमने कल रात से कुछ नहीं खाया, बस ऐसे ही मजे कर रहे थे और गाड़ी में बजा रहे हैं गाने। और ये हमारा रजनीश भाई, ये बेचारा चार्जर के लिए परेशान है। हाँ भाई मिला चार्जर? हाँ नहीं मिला। ये हमारी बस। अरे प्रदीप नींबू पानी मिला? चार ग्लास बनवा रहा यार। कितने? चार ग्लास। चार ग्लास ये अच्छा। बैग मेरा किसने रखा था नीचे? तो भाई बस में इतने टाइम से चल रहे थे तो यार थोड़ा चक्कर वक्कर भी आ सकते हैं, तो अभी हमारा टाइम है नींबू पानी पीने का। हाँ भैया कैसे दे रहे हो नींबू पानी? हाँ जी 20 का है। बात 15 की हुई है। बात लेकिन हमारी 15 की हुई है, डिस्काउंट हो जाता है। ये ले। होटल अभी हम पहुँचे हैं जोशी मठ, है ना। और जोशी मठ पहुँच के यार पता है मतलब हमें लग गया काफ़ी ज़्यादा टाइम, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा हमने बस चेंज करी, कम से कम 6 बार हमने बस चेंज करी, और 6 बार बस चेंज करके फिर हमें मतलब हम फाइनली जोशी मठ में पहुँचे, ठीक है। तो अभी हमें रूम मिल गया, तो थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ी, बट हमें 1600 के अंदर रूम मिल गया, और भाई ठीक ठाक है, 2 बेड है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, ओके ओके वाला फील है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम जो है मतलब फेस करी।
तो स्टार्टिंग में जैसे हम तो स्टार्टिंग में जैसे हम मतलब ऋषिकेश से चले थे, तो ऋषिकेश से हम हो गए थे लेट, और लेट होने के बाद फिर हमें मतलब वहाँ से बस मिल नहीं पाई, और हमें बस मिली फिर कर्णप्रयाग के लिए। और कर्णप्रयाग के लिए भी हमारे साथ सीन ये हुआ कि कर्णप्रयाग वाले जो बस थी हमारी, उसने हमें हाफ में छोड़ दिया और बोला कि दूसरी बस में बैठा कि भाई तुम उसमें बैठ दो, और उस बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो यानी कि परेशानी। फिर यहाँ पे टैक्सी करके आए यहाँ पे, वो हमें थोड़ा पड़ गया ठीक ठाक, बट अभी देखो खाने पीने का सब कुछ कर रहे हैं। बिरयानी सारी चीज़ हम मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं भाई। बड़ा लंबा टूर था ये, मेरे दोस्त ऐसे फील कर रहे जैसे गोवा में आए हूँ इतने लंबी जर्नी के बाद। तो भाइयों अगर आप आ रहे हो तो भाई देखो ट्रैवल का तो देख के आना कि ट्रैवल तो आपको, हाँ ट्रैवल तो मतलब करना पड़ेगा। अगर आपको बस से आना है तो बस से तो भाई फिर आपको टाइम पे ही पहुँचना पड़ेगा, और बस का प्राइस वही 650-650 रुपये, और हम बस से ना आके वैसे 600 रुपये में आ गए हैं, मतलब वही तोड़ तोड़ के। बाकी तो सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा आज प्रदीप कितनी तारीख है, 8 तारीख है ना, एक हाँ 8 जनवरी आज, और 8 जनवरी को इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं यहाँ पे, और बता रहे कि वहाँ पे ज़्यादा है जो ओली में, मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। तो जो मेरा दोस्त है रजनीश, उसने बोला कि एक जो होटल है हम कल ओली में जाके लेंगे अभी हमें बताया इन्होंने, जो होटल के यहाँ के ओनर हैं उन्होंने बताया कि जो ओली में होटल है वो करीब करीब 5000 से 4000 का मिलेगा ना प्रदीप, इतने का बोला था। टू बेड सेट है, हाँ 4000 समथिंग, तो वो पड़ जाएगा हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा है ना, तो उसको लेके हम क्या करेंगे फिर उसके बारे में बातें देखेंगे कि वो चलो कल तक का प्लान है, ठीक है, मतलब वो कल के लिए प्लान है। अभी बस यही करेंगे, बस अब खाना पीना खाएंगे, अपना सोएंगे, और बाकी तो आज की जर्नी मैंने बताई दी कैसी रही है भाई। तेल का खाना मत लेके आइए, मेरा सजेशन है, जो ऑयली खाना है वो बिल्कुल मत लेके आना सफ़र में, ये मेरा दोस्त हाँ भाई क्या हुआ बट गई उल्टी करके कह रहा, उल्टी नहीं हुई मेरे को, हाँ भाई बता, पानी एक्सेस ना पिए, धीरे धीरे पानी सिप करके पिए ऐसे ही है भाई, क्या कर सकते हैं, पानी वानी का बस बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था यहाँ पे, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी। चलो मैं आपको बाहर के बाहर से दिखाता हूँ, ब्लैक हो रखा है हर जगह। ये हमारा, तो भाई वो होटल का सिर्फ ऐसी है कि अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो मिल जाएगी, वैसे हमें थोड़े सस्ते वाले भी होटल मिल रहे थे, लेकिन यार वो हमें थोड़ा पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें थोड़ी स्मेल आ गई थी, और वो स्मेल भी बस ऐसी थी कि बस वहाँ पे रुका नहीं जा रहा था, तो वो वाले हम थोड़े मतलब ये भी इतना ज़्यादा खास है नहीं मैं अगर लिटरली बोलूँ तो, लेकिन अच्छा होटल है बट फिर भी एडजस्ट करने लायक है। मैं इसको आपको बाथरूम दिखाता हूँ, गीजर सब कुछ मस्त। वैसे भाई जो बंदे ट्रैवलिंग के मतलब जो पसंद करते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, कि भाई जिनको गाड़ी बस पहाड़ ऐसे ऐसे घूमना जिनको 12 घंटे ऐसे से घूमना है, वो भाई ये वाला रूट पकड़ ले और चुपचाप जोशीमठ आ जाए, ठीक है गाइस। तो आज तक की जर्नी यही थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ी क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में बेसिकली हम इतना सब कुछ फेस करते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इतना सारा फेस करना पड़ा, इतना ज़्यादा सारा सामान था, घर से खाना लेके आए थे हम, और मतलब वो भी सारा उठा के चलना, यू नो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई एक बस से उतार के दूसरी बस में डाल रहे हैं, ये फलाना ढिकाना, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे। फिर भी हमने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, और रात को 9 बजे हम पहुँचे। अब सोचिए मतलब सुबह 9 बजे चले थे हम वहाँ से ऋषिकेश से प्रदीप, सुबह 9 बजे चल के रात को 9 बजे जोशीमठ पहुँचे। तो बीच बीच में हमारा प्लान बनना था कि भाई चोपटर काम क्या क्या है वो जगह नाम चमोली, कि चमोली रुक जाएं, फिर उसके थोड़ा सा इधर एक और गांव है कि वहाँ रुक जाएं, कड़प्रयाग रुक जाएं, फिर कि नहीं भाई हमारा सुबह का कुछ प्लान ऐसा है कि भाई हम जाएंगे
रोप वे से, ठीक है। तो रोप वे की टिकट लेनी पड़ेगी। हमें बताया कि भाई सुबह सुबह जाकर लाइन लगा लेना, नहीं तो 300 टिकट तक मिलती है, उसके बाद टिकट नहीं मिलेगी। अच्छा, टिकट जो रोप वे का प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब आना जाना है ना उसमें हो जाएगा। तो बाकी ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे। और ये यहीं तक था, ये दिल्ली से यहाँ तक के लिए व्लॉग था। अब मैं व्लॉग 2 शूट करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ओली जसूमठ से ओली जब जाएंगे तो आपको मतलब आपको आप देखेंगे मतलब क्या मैं करूँगा और क्या मैं आपको बहुत मस्त वाले नज़ारे दिखाने वाला हूँ। अरे मजे करेंगे।